हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पचास तक पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक होगा, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा कर दिया। चीन में बाओ फोरम से खिताब में चौथे सनती इनकलाब की पेशगोई, वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को आलमी अहमियत का हामिल करार दे दिया। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान का रुख करने का मशवरा, मेहमान नवाजी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। दुनिया के बहुत से खित्तों में इंसानियत गैर यकीनी सूरतेहाल से दोचार है। एशिया को खुद अपने मुस्तकबिल का तायुन करना है। चीन ने एशिया में माशी बहरान के खात्मे के लिए गिराकदर काम किया। चीनी सदर का बाओ फोरम से खिताब, कहा अब भी बेशुमार मसाइल और रुकावटें हैं जिसका खात्मा करना है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाप्त, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेश हो गए। वकील सफाई खाजा हारिस की आरपी जेआईटी सरबरा वाजिद जिया से जिरह जारी रहेगी। हाफिजाबाद में निजी बैंक के मुलाजमीन के साथ डकैती ड्रामा निकली। बैंक मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर लुटने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिम तीन साथियों समेत गिरफ्तार, पौने 2 लाख रुपए बरामद। में बड़ा फैसला करने का ऐलान, फौजी कार्रवाई का ऑप्शन जेरे गौर। अकवामे मुतहदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी और रूसी मंदूबीन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सफीर बोली, रूस के हाथ शामी बच्चों के खून से रंगे हैं, आलमी बरादरी फौरी कार्रवाई करे। रूसी सफीर ने खबरदार किया कि फौजी ताकत के इस्तेमाल के नतीजे भयानक हो सकते हैं। FBI का ट्रंप के वकील माइकल कोहन के दफ्तर पर छापा, फहाश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी को दी गई रकम से मुतालिक दस्तावेजात जब्त कर ली। अमरीकी सदर ने FBI का छापा शर्मनाक और मुल्की साख पर हमला करार दे दिया। और पाकिस्तान के पहले मुतफिका आइन को मंजूर हुए 45 बरस बीत गए, आज यौम दस्तूर है। आइन के बानियों और सियासी कारकुनों को खराज अकीदत।